हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू आरईडी फॉर फिटनेस। और मेरा नाम है अभिनव टोंग और आप सभी का चेस्ट सीरीज में स्वागत है। तो अब तक हम अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट के वर्कआउट वीडियोस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोअर चेस्ट की एक्सरसाइजेज और वर्कआउट के बारे में जानेंगे। तो अब तक आपको पता चल ही चुका होगा, अगर आप मेरी चेस्ट सीरीज को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, कि जो लोअर पोर्शन जो था उसे हम लोअर चेस्ट बोलते हैं। जब भी आप लोअर चेस्ट के वर्कआउट जब कर रहे हैं, आप डंबल से कर रहे हो या रॉड से कर रहे हो, तो जब भी आपकी रॉड या डंबल जब आपकी बॉडी के पास जब आप उसे लाते हैं स्ट्रेच करके, तो जो रॉड है या डंबल है वो आपके लोअर चेस्ट के प्लेन में होना चाहिए। जब भी ये रॉड वापस मैं चेस्ट की तरफ ला रहा हूं तो ये आपकी लोअर चेस्ट को टच करे हल्के से। ऐसा नहीं कि आप ला के इस पे पूरा एकदम से टिका दिया रॉड, वो हल्का सा टच करना है, जस्ट टू नो दैट यू आर हिटिंग इन दी प्रॉपर फॉर्म। और दूसरी बात, आप जानते ही हैं कि आपकी जो चेस्ट है वो पूरे वर्कआउट के दौरान स्ट्रेच रहनी चाहिए। तो जब भी आप रॉड को होल्ड करते हैं तो आपको उसे स्क्वीज करना है रॉड को, तो इससे अपने आप जो स्ट्रेचिंग जो आपके चेस्ट में स्ट्रेचिंग चाहिए वो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाती है। तो चलिए अब शुरू करते हैं लोअर चेस्ट की एक्सरसाइजेस। तो यहाँ पे जो चेस्ट का पार्ट दिख रहा है इसे हम लोअर चेस्ट कहते हैं। ये बेसिकली मेजर पेक्टोरल का कोस्टल हेड होता है। मैं जो वर्कआउट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ ये आपके ओवरऑल लोअर चेस्ट के डेवलपमेंट के लिए है। पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन पुशअप, ये वार्म अप एक्सरसाइज है। इसमें जो पाम सेपरेशन है वो मीडियम होना चाहिए और जो पाम्स है वो लोअर चेस्ट की प्लेन में आने चाहिए। और हर एक्सरसाइज में आपको आरईडी ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक अप्लाई करनी है, मतलब कि रिलैक्स फेज में ब्रीद इन करना है और इफर्ट फेज में आपको ब्रीद आउट करना है। अगली एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन बेंच प्रेस। तो इसमें एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 30-45 डिग्री तक हो सकता है, लेकिन ज्यादा एंगल पे आपका जो है कोस्टल हेड पे ज्यादा इम्फेसिस पड़ता है और लंबी लोअर चेस्ट बनती है। इसमें आपको जो रॉड है वो मीडियम ग्रिप पे पकड़नी है और जो चेस्ट मसल्स है टाइट रखनी है। चेस्ट मसल्स टाइट रखने के लिए आपको जो है रॉड हल्की सी स्क्वीज करनी है अंदर की तरफ दोनों हाथों से, और जो रॉड है वो लोअर चेस्ट के प्लेन में होनी चाहिए। अगली एक्सरसाइज है वो है डिक्लाइन डंबल फ्लाई। इसमें भी एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 30-45 डिग्री तक हो सकता है और आपको चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन, और डंबल जो है वो लोअर चेस्ट के प्लेन में होने चाहिए। ये एक्सरसाइज करते हुए आपको अपनी एल्बोज हल्की सी बेंड करनी है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेट एल्बो करके मारेंगे एक्सरसाइज तो आपकी शोल्डर इंजरी होने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज करते हुए हल्का सा बेंड करना है आपको अपने एल्बोज को। अगली एक्सरसाइज है डिक्लाइन डंबल प्रेस। इसमें भी 30-45 डिग्री तक एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हो सकता है और आपको चेस्ट मसल टाइट रखनी है और डंबल जो है वो लोअर चेस्ट के प्लेन में आने चाहिए ड्यूरिंग दी होल रेंज ऑफ मोशन। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो है डंबल पुलओवर। ये एक्सरसाइज है जो फोल्डेड लुक देती है लोअर चेस्ट की। तो इसमें आपको जो अपना सर है वो थोड़ा पीछे की तरफ रखना है बेंच से, वेस्ट और हिप्स थोड़े से लोअर करने हैं, चेस्ट मसल्स टाइट रखनी है और पीछे जब डंबल आप ले जाते हैं तो आपको अपनी चेस्ट स्ट्रेच करनी है, आप जितना स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे की तरफ। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेज आपको लोअर चेस्ट डेवलप करने के लिए। तो आपको अगर लोअर चेस्ट डेवलप करनी है तो ये एक्सरसाइजेज अपने वर्कआउट शेड्यूल में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी।